मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, राज्यपाल जी ने अपने भाषण में एक बात जरूर कही और वह कही थी कि राम राज्य की अवधारणा को आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, यह देश राम राज्य की अवधारणा को ही स्वीकार करेगा, समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राम राज्य आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज और राजनीतिक अखंडता का निर्माण ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए और हमें अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि अतीत की नींव पर हम एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करके आगे बढ़ सकते हैं। अतीत का बिछड़ा वर्तमान का त्रिशंकु होता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि समाजवाद जो केवल एक मृग तृष्णा बन चुकी है, समाजवाद एक अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, एक अमानवीय व्यवस्था बना के रख दी है आप लोगों ने। बहुरूपीय की तरह इसके अनेक ब्रांड है। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आप लोगों ने इसको देखा है, लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आपने इसको बोला है, चच्चों का प्रगतिशील समाजवाद भी सब लोग देख रहे हैं, आर्थिक समाजवाद भी लोगों ने दे रखा है और प्रदेश ने पारिवारिक समाजवाद को भी झेला है। हमारा राम राज्य एक सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक व्यवस्था, एक शाश्वत व्यवस्था है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही राम राज्य की अवधारणा है। और 22 जनवरी का कार्यक्रम भी इसी बात की प्रेरणा हम सबको दे रहा था और मैं आह्वान करूंगा कि हम सबको इसके लिए कार्य करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा।